हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विजिट अस एट balsanskarkendra.org। पच्चीस दिसंबर को कौन सा दिन मनाएंगे और उनकी पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हम सभी मिलकर खूब प्रेम से अब तुलसी माता की पूजा करेंगे। तैयार हो आप सभी? सुख शांति समृद्धि और आरोग्य प्रदायिनी तुलसी। तुलसी के गुण, उपयोगिता, महत्ता भारत के ऋषि मुनियों की ऊंची खोज है। तुलसी माँ के समान सभी प्रकार से हमारा रक्षण और पोषण करती है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में आता है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वो घर तीर्थ समान पवित्र होता है। उस घर में रोग रूपी यमदूत नहीं आते। देश में सुख सौहार्द स्वास्थ्य शांति से जन समाज का जीवन मंगलमय हो। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावनी जी की। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावनी जी की। आरती श्री तुलसी माता की। सनातन धर्म की जय। गीता माता की जय। गीता माता की जय। धर्म रक्षा मंच की ओर से जो आज ये प्रोग्राम रखा गया इसे आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली। और इसी वक्त इस समय में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का बच्चों में जो संस्कार है इस संस्कार का अच्छा सिंचन करती है। घर में तुलसी क्यों रखी जाती है, इसकी पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में अच्छी तरह से ये महानुभाव ने आपसे बताया है। आप लोग आज से यकीन करें कि हमारे घर में एक तुलसी का पौधा है कि उसकी पूजा करें पूरे फैमिली के साथ। उसके पांच पान खाने के लिए बताया है, क्योंकि अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। पांच पान खाने के बाद कितने समय के बाद पानी पी जाए वो भी बताया है। इन्हें विज्ञान की ओर से देखें तो ये बहुत जरूरी है। मेरे को ये तुलसी का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मैं आज तुलसी के बारे में जान के बहुत खुश हूँ। मैं 25 दिसंबर को मेरे पेरेंट्स के साथ तुलसी की परिक्रमा करूँगा। बाळकपुर ने तुलसी नु महत्व नहीं के वृक्ष नु महत्व नहीं पर्यावरण नु महत्व नहीं लेने सौथी पहला तो पर्यावरण नी जागृति आवे के पछि वृक्ष नु महत्व समझावे पछि तुलसी एक पवित्र अने आरोग्य माटे लाभकारी छे पण महत्व समझावे ऑक्सिजन आपनारु वृक्ष અને જે હવામાન શુદ્ધ કરે તાવ શરદી ખાંસી જેવા સામાન્ય રોગથી શરૂઆત વધતી હોય એટલે એને જો તુલસીનું નિયમિત જો સેવન કરવામાં આવે તો એ જે અટકતું હોય એટલે ખૂબ સારામાં સારું લાગ્યું છે। એમાં જો આવું તુલસી જેવું પવિત્ર વૃક્ષ આંગણામાં ન હોય તો એ ખરેખર હિન્દુ ન ગણાય મારી દ્રષ્ટિએ। એટલે દરેક હિન્દુએ દરેક બાળકે પોતાના ઘરમાં તુલસીનો રોપ રોપવાનો અને નિયમિત રીતે ત્યાં સવાર સાંજ દીવાબત્તી થાય અને 25મી ડિસેમ્બરે આપણે બીજી કોઈ ઉજવણી ન કરતા તુલસી પૂજનનો મહિમા ગાઈએ અને ગવડાઈએ એ ખૂબ સારી વસ્તુ છે।